तो फिर उसमें ग्रेवी में डालेंगे। देखिए तैयार हो गया सब्जी, कितना टेस्टी वाला सब्जी बन गया। तो ये देखिए बन गया सब्जी, बेसन की सब्जी बन गई। आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है ना? तो अभी हम जा रहे हैं बेसन लेने। सब स्वस्थ रहें मस्त रहें और हम भी स्वस्थ रहें मस्त रहें। तो हम सोचे आज ना पीहू घर में है और मैं सोची बेसन का सब्जी बनाती हूँ तो बेसन लेके आती हूँ। तो ये चक्की भी रखी है छोटा सा, तो उसी में पीस के देती है। तो ये ले ली मैं। यह बेसन, यह प्याज, टमाटर, लहसुन और एक ही हरी मिर्च डालेंगे, एक ही हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च और ये अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको कर ले। तो ये सब हम तैयारी कर रहे हैं। अपने परिवार के अनुसार ही करिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं। हमारे अभी कम है तो एक कटोरी हम लिए हैं बेसन। और देखिए बेसन को हम ये डाल लिए, इस क्योंकि नमक हमको उसमें भी डालना है, फिर ग्रेवी में भी डालना है। ये हो गया हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ग्रेवी में पड़ेगा। तो इसको हम ना घोल लेते हैं, ये सभी चीज़ को ऐसे से मिला देते हैं। आज हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलेंगे, गांठ नहीं हो, इसका लिक्विड फॉर्म बनाना है। गांव में पहले ऐसे ही बनता था। दो कटोरी पानी इसमें लग गया, देखिए दो कटोरी पानी लग गया। इसको इस तरह से बना लिए, गैस जला दिए और गैस जला के इसको कंटिन्यू चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए ऐसे ही पतला रखेंगे ऐसे। आपको हम हलवा के जैसा ये हो जाएगा। देखिए इसमें तेल लगा के ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिए, क्योंकि इसमें इसमें हम फैलाएंगे इसको। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। मुझे चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा के साथ भी खा सकते हैं इसको। अभी इसको बंद करते हैं गैस को, गैस को बंद करके और इसको फैला देते हैं। इसको ना कढ़ाई को हम वो वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और फिर जो बचा हुआ है ना उसको हम ग्रेवी में डालेंगे। इसको हम ऐसे ऐसे करके फैला देंगे, इसको एकदम बराबर। इसको बाद में कटिंग करेंगे, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो हम कटिंग करेंगे। 5 मिनट में ही देखिएगा कि ये हो जाएगा, एकदम 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। और इधर है ना, इसमें हम पानी डाल के छोड़ देते हैं। ये मसाला पीस लेते हैं, ये देखिए सब कुछ हम तैयारी कर लिए हैं। ये उसका बेसन का बना लिए, बनाने का आपको बता दिए। और कढ़ाई को धो के और ये देखिए इसको हम रस में बनाने में डालेंगे। ये टमाटर है, ये मसाला पीस लिए सिलबट्टे पर, और ये प्याज है।
और फिर ये तेज पत्ता है, ये देखिए गैस ऑन कर दी, गैस ऑन। इसमें एक या डेढ़ चम्मच तेल डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी तेल। देखिए अंदाज से ही थोड़ा सा और, बस गरम हो गया तो इसमें ये तेज पत्ता डालेंगे और ये जीरा डालेंगे। जीरा कड़क जाएगा, देखिए जीरा जल गया, अभी इसमें प्याज डालेंगे। हरी मिर्च डाल देती हूँ, आधा ही डाली हूँ क्योंकि इसमें ना वो डालूंगी, थोड़ा सा मसाला डालूंगी, पीहू भी खाएगी इसलिए मिर्ची नहीं डालती हूँ बच्चे के लिए। आप लोगों को मिर्ची डालना तो डाल सकते हैं, मैं दूसरे तरह से एक बार बना के दिखाई थी, अभी दूसरे तरह से बता रही हूँ। हल्का सा इसमें नमक डालूंगी, नमक हल्का सा कि प्याज वो हो जाए, और बाद में डालूंगी नमक। मैं क्या करती हूँ ना, जो मसाला पिसा हुआ है इसी में हल्दी डाल देती हूँ, इसी में हल्दी और इसी में ये मसाला है थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। मैं ना हाथ से ही पीस के रखती हूँ जीरा पाउडर और वो मसाला बनाती हूँ सब हाथ से ही, तो ये जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ। और जब ये प्याज भून जाएगा ना, प्याज ब्राउन हो गया ना, अब इसमें मैं मसाला डालूंगी। सारे मसाला डाल दिए, इसमें ना मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। उस मसाला का जो बर्तन है ना उसको धो के डाल देती हूँ अच्छे से ना, भून जाएगा ये टमाटर गलने तक, इसको भून लेते हैं। मिर्ची और मिर्च और ये जो नमक है ये सब अपने स्वाद के अनुसार ही डालते हैं, आप जिस तरह से डालते हैं उस तरह से। और ये देखिए पक जाएगा, उसके बाद हम अब इसमें पानी डालेंगे। देख सकते हैं मसाला का खुशबू, बस देखने में भी पता चलता है कि इस मसाले जो सिलवट पर पीसते हैं ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत स्वाद आता है सिलवट पर पीसने से। लेकिन आजकल टाइम नहीं रहता ना, इसलिए जिसको आदत हो जाता है ना, जो लोग पहले के लोग सिलवट पर पीस के खाते थे तो वो लोग उसी पर पीसेंगे। तक मसाला उधर बन रहा है, जब तक इसको ना तेल डाल के हल्का तेल, और इसको ऐसे ऐसे फ्राई करेंगे। इस पर थोड़ा टाइम लगता है, सारे को ऐसे करके रख देंगे। ऐसे 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 हो जाएगा सब, ये दोनों तरफ से ऐसे हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो फिर उसमें ग्रेवी में डालेंगे। ये हो गया, मसाला भुन गया,
जब अच्छी हुलने लगता है ना, देखिए मसाला तो सके हो गया, देखिए तो भुना गया मसाला अच्छी तरह से। अब इसमें जो पानी था ना वो डालेंगे, जो धोया हुआ पानी। अब इसमें पानी अभी खोलने लगेगा जब इसमें डालेंगे। देखिए खोलने लगा, अब धीरे धीरे खोलने लगा। जब अच्छे से खोल जाएगा तो उसमें डालेंगे वो। तीन चीज़ कर सकते हैं, चावल चढ़ा दिए, इधर इसको फ्राई कर लिए, इधर ये ग्रेवी बना लिए। तीनों चीज़ हम एक बार में कर लेंगे। अभी खोलने लगा, देखिए इसको हम डाल के छोड़ देंगे ढक के। खोल गया ना, खोल रहा है। इसको हम इसको डाल देंगे इसमें। अब इसको 5 मिनट तक कम आँच करके छोड़ देंगे। इसको अच्छे से इसमें सोक कर लेगा जो बनाया है ना, इसमें तो टेस्ट आएगा। फिर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट तक हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे और फिर बाद में धनिया पत्ता डालेंगे, दिखाएंगे। बहुत अच्छा बन गया, ये देखिए बहुत अच्छा बन गया, बहुत टेस्टी मज़ेदार। नए तरीके से हम बहुत तरह के बनाते हैं बेसन के सब्ज़ी। हम ये दूसरे तरीके का बताए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, ये दूसरे तरफ का हो गया, और भी हम बताएंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। अब हो गया तैयार, देखिए तैयार हो गया सब्जी। कितना टेस्टी वाला सब्जी बन गया, देखिए मस्त मस्त। तो ऐसे आप लोग खाइए बना के, जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे बताए, वैसे वैसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मसाला आप मिक्सी में भी पीस के बनाइए, टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए बन गया सब्जी, बेसन की सब्जी बन गई, तैयार है बेसन की सब्जी खाने के लिए। रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्जी वैसे खाइए, और ये बहुत टेस्टी वाला बनता है। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाय।